2023 से 2024 में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, राइट? अब नया सेशन शुरू होने वाला है कॉलेज में, तुम थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जाने वाले हो, या फिर अभी नया अपना कॉलेज स्टार्ट करने वाले हैं, तुम्हारे दिमाग में डाउट होगा कि मेरे को अगर कोई स्किल सीखना है तो कौन सा स्किल मैं सीख सकता हूँ। सो आज वाले वीडियो में हम यही सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि विच आर द टॉप 5 टेक स्किल्स दैट यू शुड लर्न, एंड उनकी जो एवरेज सैलरी है वो क्या है, पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या तुम कर सकते हो, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय गाइस, निशांत चाहल, वेलकम बैक टू द चैनल। अपनी वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा तुम्हारा फेवरेट फील्ड है जिसमें तुम अपना करियर बनाना चाहते हो, एंड अभी करंटली कर क्या रहे हो। सबसे पहले तुम्हारा आता है AI इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तुम देख ही रहे हो, हर जगह AI आ रहा है, हर जगह बूम कर रहा है। अब AI से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, चाहे तुम्हारा हेल्थ केयर हो, चाहे तुम्हारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे तुम्हारा टेक हो, हर जगह AI अपना इंपैक्ट डाल ही रहा है। सो सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, बी द पार्ट ऑफ द चेंज। अगर कुछ चेंज हो रही हैं चीज़ें तो उसका पार्ट बन जाते हो, तो तुम्हारे साइडलाइन होने का, तुम्हें निकाले जाने के खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है। सो तुम्हारे पास मल्टीपल रोल्स होते हैं इफ यू लर्न AI। सबसे पहले जो तुम्हारा आता है वो AI इंजीनियर आ जाता है। इसमें तुम्हें AI मॉडल्स एंड एल्गोरिथम्स डेवलप करनी होती है, ये तुम्हारा मेजर रोल होता है। इसका मशीन लर्निंग इंजीनियर, मशीन लर्निंग तुम्हारा नाम है, एंड दिस इज द कोर स्किल दैट यू शुड लर्न इफ यू वांट टू बिकम एन AI इंजीनियर एज वेल। फाइनली तुम्हारा आ जाता है डेटा साइंटिस्ट। डेटा को एनालाइज करना होता है, समझना होता है, अलग अलग मॉडल्स बनाने होते हैं, एंड इसके साथ साथ मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालनी होती हैं रिलेटेड टू द डेटा। अब इनकी सैलरीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप AI इंजीनियर, एक्सपेक्टेड जो सैलरी होगी वो आपकी 15-35 lakhs होगी पर एनम इन इंडिया। सेकंड, अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो उसकी जो एवरेज सैलरी होगी एक्सपेक्टेड वो 12 lakh to 30 lakh के बीच में होगी, एंड फाइनली जो डेटा साइंटिस्ट है उसकी होगी 10 lakh to 25 lakh के अराउंड। और इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो जहां पर मैं इन सबके रिसोर्सेज भी शेयर कर रहा हूं फ्री एंड पेड बेस्ट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, एक वीडियो बना दूंगा इसमें टॉप 10 स्किल्स जिसके लिए फ्री रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे, तुम वहां से जाके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डेवऑप्स। अब बेसिकली ऑपरेशंस और डेवलपमेंट के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज कर रहे होते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनरली आजकल डेवऑप्स वाली वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी कर रहे हैं, बट स्टिल कंपनीज हायर करती हैं स्पेसिफिक डेवऑप्स इंजीनियर्स को जो पूरा पाइपलाइन सेट करते हैं, CI/CD पाइपलाइंस वगैरह बनाते हैं, ऑटोमेशन सेट करते हैं, एंड इसके अलावा कोलैबोरेशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं। अब डेवऑप्स में बेसिकली दो रोल्स तुम्हारे होते हैं, एक तुम्हारा होता है डेवऑप्स इंजीनियर, दूसरा तुम्हारा होता है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। इनकी जो एवरेज सैलरी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 10-25 lakh रुपए होती है, और जो तुम्हारी साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर की एवरेज सैलरी होती है वो 12-28 lakh के आसपास होती है, एंड काफी सारी कंपनीज SRE इंजीनियर्स को अलग से हायर करते हैं। वन ऑफ द नेम इज गूगल एंड द अदर वन इज लिंक्डइन, ये अलग से हायर कर रहे होते हैं। काफी सारी कंपनीज में अलग से डेवऑप्स इंजीनियर नहीं होते, नॉर्मल SDEs को भी डेवऑप्स का काम करना पड़ता है, एंड अगर तुम इसका एग्जांपल होगे तो माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेज़न में अलग से डेवऑप्स इंजीनियर नहीं होते हैं। थर्ड जो तुम्हारा आता है वो डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट का आ जाता है, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे रोल्स हैं रिलेटेड टू डेटा, एंड यू नो डेटा इज अ न्यू फ्यूल, दैट्स वाई डेटा रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो काफी ज्यादा बूम कर रही हैं लास्ट कुछ सालों में। अब जब तुम अमेजोन पे जाते हो, कोई भी तुम चीज चेक करते हो, उसमें तुम्हें दिख रहा होता है कस्टमर्स ऑल्सो बॉट दिस, ये सब डेटा साइंटिस्ट का ही काम है, वो इतना सारा डेटा लाते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो इंसाइट्स आते हैं वो अपने कस्टमर्स तक शेयर करते हैं, बिजनेस के साथ भी शेयर कर रहे होते हैं। डेटा साइंटिस्ट वाला जो रोल है वो थोड़ा सा ग्लैमरस होता है, एंड यहाँ पे आप बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वगैरह भी बना रहे होते हैं, काफी एल्गोरिथम्स लिख रहे होते हो, इसमें थोड़ा कोडिंग का पार्ट भी रहता है जिससे तुम सेंस निकाल पाते हो डेटा में से, एंड बहुत सारी पाइपलाइंस वगैरह भी बिल्ड करनी होती है। आता है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट में थोड़ा कोडिंग का काम कंपैरेटिवली कम होता है, एंड अगर आप लोगों को डेटा को देख के उससे इंसाइट्स निकालने में बहुत ज्यादा मजा आता है, दिस रोल इज फॉर यू। इनका बहुत सारा काम ये भी होता है कि जो डेटा तुम्हें एक्सेल शीट्स पे या फिर कहीं पे मिल रहा है उसको कैसे तुम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखा के उससे एक्चुअल इंसाइट्स निकाल पाओ, एंड बता पाओ कि ये वाली चीज दूसरी चीज से कैसे बेटर है, या फिर मल्टीपल ऐसी और चीजें भी करना होता है। नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है वो बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट आ जाता है। इनका जो काम होता है वो ज्यादा विजुअल एंड स्ट्रेटेजिक होता है, इनको विजुअल ग्राफ्स वगैरह बनाना एंड स्ट्रेटजीज बनाने का ज्यादा काम मिलता है मोस्टली। ये मोस्टली लॉग डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं ताकि जो कंपनी के डिसीजन मेकर्स हैं वो एक्चुअली इस डेटा को इंटरप्रेट करके अपने डिसीजंस ले पाएं। अब डेटा साइंस की बात हो ही रही हो तो रिसेंटली मेरे को एक प्रोग्राम मिला था जो EDX एंड हार्वर्ड के साथ कोलैबोरेशन में है, तुम लोगों को 3 अशॉर्ड इंटरव्यूज भी प्रोवाइड करता है। HeroWired इज ऑफरिंग अ एक्सेलरेटर प्रोग्राम इन बिजनेस एंड डेटा साइंस। इस प्रोग्राम के बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं इन द रोल्स लाइक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियर। बाय लर्निंग दीज स्किल्स यू कैन गेट इनटू द करियर विद अ सैलरी रेंजिंग फ्रॉम 3 lakh to 30 lakh डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। यहाँ पे तुम्हें ड्यूअल सर्टिफिकेशन मिल रहा होता है EDX एंड HeroWired से, एंड यू ऑल्सो गेट अ चांस टू गेट NASSCOM सर्टिफाइड इन एसोसिएशन विद फ्यूचर स्किल्स प्राइम। इसकी जो 70-90% क्लासेस होती है वो सारी लाइव होती है, इसके साथ साथ तुम्हें मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिल जाती है लाइव क्लासेस
के थ्रू, एंड साथ साथ तुम 7 से ज्यादा कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू, एंड इन पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स के थ्रू तुम बहुत सारे इंडस्ट्री रिलेवेंट टूल्स एंड स्किल्स को भी एक्वायर कर लेते हो, फॉर एग्जांपल टैबलू, पाइथन, पावर बीआई, काफ्का एंड मच मोर। एंड इतना ही नहीं, इसके साथ साथ तुम्हारे एक्सपर्ट सेशंस वगैरह भी हो रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जेन एआई की सर्टिफिकेशन वर्कशॉप भी तुम्हें मिल रही होती है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द डेटा साइंस प्रोग्राम बाय हीरो वायर्ड, एंड यू कैन गेट अ स्पेशल स्कॉलरशिप बाय माय लिंक। तो बस नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करना एंड यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। अब एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करी जाए तो डेटा साइंटिस्ट की जो एक्सपेक्टेड सैलरी होती है वो 8 से 20 लाख के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट की जो तुम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से 12 लाख के आसपास कर सकते हो, एंड फाइनली बीआई एनालिस्ट की जो तुम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 से 15 लाख के अराउंड कर सकते हो। एंड एक और अमेजिंग बात यह है कि आज के टाइम पे ना जो डेटा रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, बिकॉज हर कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है एंड दे वॉन्ट टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस डेटा, तो उसके लिए हायरिंग डेटा रिलेटेड फील्ड में काफी ज्यादा हो रही होती है। सो इसको डेफिनेटली तुम चेकआउट कर सकते हो। फोर्थ पे आ जाती है स्किल, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब जितनी भी तुम कंपनीज को देख रहे हो सारी कंपनीज रिलाई करती हैं क्लाउड पे, अब चाहे वो Azure हो, चाहे वो AWS हो, चाहे वो GCP हो, एंड छोटी छोटी और कंपनीज भी हैं जो अलग अलग क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। एंड इस स्किल के लिए डिमांड काफी ज्यादा है बट सप्लाई काफी कम है, क्योंकि जनरली कॉलेजेस में इसका आइडिया नहीं होता है, लोग बाद में इसके सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बेसिकली 2 रोल्स होते हैं, एक तुम्हारा क्लाउड आर्किटेक्ट होता है, दूसरा तुम्हारा क्लाउड इंजीनियर होता है। क्लाउड आर्किटेक्ट की जो एवरेज सैलरी तुम्हें मिलेगी वो 18 से 35 लाख के आसपास मिल जाती है, एंड क्लाउड इंजीनियर की जो मिलती है वो 12 से 25 लाख के अराउंड मिल जाती है। क्लाउड आर्किटेक्ट का तुम काम उसके नाम से ही समझ सकते हो, आर्किटेक्चर और स्ट्रेटजी डिजाइन का काम होता है बेसिकली, और क्लाउड इंजीनियर का काम होता है क्लाउड रिलेटेड जो तुम्हारे एप्लीकेशंस हैं, सिस्टम्स हैं, उनको मेंटेन करना एज वेल एज डेवलप करना। इनमें से किसी भी रोल पे अगर तुम्हें एक डिटेल्ड इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, आई विल मेक दैट एज वेल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐप एंड वेब डेवलपमेंट, ये हमेशा डिमांड में थी एंड अभी भी डिमांड में है, बिकॉज हर कंपनी को अपना वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन चाहिए होती है, एज वेल एज ऐप एप्लीकेशन भी चाहिए होती है। अब जो लोग बोलते हैं ना कि AI आ गया है, फ्रंट एंड डेव्स की जो जॉब है वो खा जाएंगे, उनकी बातें मत सुनना, बिकॉज जितना काम कम हुआ है, अगर तुम बस यही सोचते हो कि फ्रंट एंड इंजीनियर्स का काम बस कॉपी पेस्ट करके बटन के जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड करना होता है, सो दैट इज नॉट द केस। अगर तुम काम ही इतना टुच समझते हो कि जो AI टूल्स हैं वही तुम्हारा काम कर देंगे, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर जो फ्रंट एंड पे काम कर रहे होते हैं उनका काम इससे बहुत ज्यादा इन डेप्थ होता है। UI स्क्रीन्स को कॉपी पेस्ट करना या फिर सिमिलर बनाना इज वन ऑफ द टास्क, एंड वो जितना जल्दी कम हो जाए, जितना ईजी हो जाए उतना बढ़िया, एंड AI टूल्स अभी वही कर पा रहे हैं। एंड हाई क्वालिटी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना या फिर एप्लीकेशन बनाना इज अ टफ टास्क, तो ये चीज सीखना, ये स्किल सीखना काफी ज्यादा सही चीज है। ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट AlgoPrep एंड AlgoPrep X। AlgoPrep पे तुम लाइव वेब डेवलपमेंट, DSA वगैरह सारी चीजें सीख सकते हो, एंड AlgoPrep X पे तुम सीख सकते हो सारी चीजें टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट वन प्लेस। तुम्हें वहां पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती हैं रिलेटेड टू LLD, DSA, डेवलपमेंट, इसके अलावा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंड साथ साथ OSDBMS, ऑप्स कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड हम और भी बहुत सारे कोर्सेज ऐड करते रहेंगे इसके साथ साथ। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब मल्टीपल रोल्स होते हैं, फुल स्टैक इंजीनियर होता है, बैकएंड इंजीनियर होता है, फ्रंट एंड इंजीनियर होता है, एंड ऐप डेवलपमेंट इंजीनियर होता है। नाम से तुम्हें समझ आ गया होगा फुल स्टैक में फ्रंट एंड बैकएंड दोनों का काम करना होता है। तुम्हारा जो फ्रंट एंड वाले होते हैं मोस्टली बस फ्रंट एंड रिलेटेड टास्क कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, बैकएंड वाले बस बैकएंड रिलेटेड कर रहे होते हैं, एंड ऐप डेवलपमेंट वाले ऐप रिलेटेड करते हैं या फिर एप्लीकेशन जो तुम फ्रंट एंड पे बना रहे हो उसका उससे रिलेटेड काम, एंड थोड़ा बहुत बैकएंड भी। अब एवरेज सैलरीज की बात करी जाए तो फुल स्टैक इंजीनियर की जो एवरेज सैलरी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू गेट इन अ गुड कंपनी 8 to 20 LPA। अगर तुम फ्रंट एंड इंजीनियर की बात करो तो उनकी होती है 6 to 15 LPA। तुम बैकएंड इंजीनियर की बात करो तो दैट इज 8 to 18 LPA। एंड फाइनली मोबाइल ऐप डेवलपर की अगर तुम बात करोगे तो दैट विल बी 7 to 18 LPA। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए।